आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रीफ़ हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल ओके मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है वो आपका बेस्ड है मोजले के एटॉमिक नंबर पे मोजले ने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था उसी के बेस पर उन्होंने ये लॉ दिया ठीक है उस लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर मतलब अगर हम उनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर में रखेंगे तो आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इनकी फ़िजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी रिपीट होंगी तो ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या करा एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें अट्ठारह ग्रुप्स थे और सात आपके पीरियड्स थे ठीक है पहला जो पीरियड था वो वैसा ही उसमें दो एलिमेंट थे है ना जिसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड बोल रहे थे सेकेंड और थर्ड में आठ आठ एलिमेंट थे जिसको हमने शॉर्ट पीरियड बोला था फोर्थ और फिफ्थ में अट्ठारह आथार अट्ठारह एलिमेंट थे जिसको हम लॉन्ग पीरियड बोल रहे थे सिक्स और सेवन्थ में थर्टी टू थर्टी टू एलिमेंट्स थे जिनको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड ठीक है ये डिस्क्रिप्शन था अब का क्या है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इसमें मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग रखा गया है स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट अलग रखे गए हैं और जो है वो पीरियड में हम जब मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ करती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है इस इस टेबलोडिक टेबल की एक और जो बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के भरने के आधार पर मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में जा रहे हैं उसके आधार पर एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक में इनको रखा गया है ठीक है लेंथेनाइट एक्टेनाइट की पोजिशन अलग हो गई है अलग से इस उनको प्लेस दे दिया गया आइसोटोप्स को प्लेस मिल गया तो ये कुछ जो रदर फो मैंडिलीफ के जो ड्रॉबैक्स थे उसको इसमें रिमूव कर दिया गया अब एक कैरेस्टिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल ठीक है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एस ऑर्बिटल तो ऐसे दो ग्रुप हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एस वन और एन एस टू है इसके बाद जो है ये सब क्या है हाईली रिएक्टिव है और इस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवालन कंपाउंड है इनका ऑक्साइड्स का नेचर एल्कलाइन होता है ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और इनकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कलर शो करते हैं जैसे लिथियम रेड कलर कैल्शियम ब्रिक रेड देता है सोडियम गोल्डन येलो और इस्टॉन्शियम डार्क रेड कलर प्रोड्यूस करता है अब इसके बाद इम्पॉटेंट कैक्टिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एन माइनस वन एन वन टू डी एन एस ज़ीरो टू टू और इसको रखा गया है पॉजिटिव मेटल और नॉन मेटल के बीच में मतलब ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी वाला ब्लॉक ठीक है इसके बाद जो है ये एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं ये सब इनकी कैरेस्ट्रिस्टिक प्रॉपर्टी है ओके ठीक है अब इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एफ़ ऑर्बिटल एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ एन माइनस टू एफ वन टू फोरटीन एन माइनस वन डी ज़ीरो टू वन एंड एन एस टू दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड क्लासीफाइंग टू टू सीरीज लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट जिनको मैंडलीफ प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाए थे वो प्लेस मॉडर्न पीरियड टेबल में दे दिया गया लेंथेनाइट और एक्टेनाइट के नाम पर अब इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर अर्थ एलिमेंट ओके और डी ब्लॉक इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है तो ये सारा इसका जो है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था एस डी और एफ़ का इसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी की इसमें सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है एटॉमिक रेडियाई मतलब ये आपका आउटर मोस्ट सेल है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से लेके आउटर सेल तक का जो डिस्टेंस होता है ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई ठीक है अब हम इसको दो तीन तरीके से मेज़र करते हैं दो तीन तरीके से मेज़र करने में एक पहली आती है हमारी कोवेलेंट रेडियाई दूसरी है हमारी वंडर वॉल रेडियाई और तीसरी है हमारी आयोनिक रेडियाई ठीक है आयोनिक रेडियाई में आपका कैटाइनिक और एनायनिक रेडियाई होती है ना अब कैटाई वंडर वॉल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई समझ लो क्या होता है वंडर वॉल रेडियाई में ये एक, एक एटम ये दूसरा एटम दोनों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है कोवैलेंट रेडियाई का मतलब ही यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है तो एक एटम्स के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस का हाफ जो होता है दैट इज़ कोवैलेंट रेडियाई ठीक है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस का हाफ कोवैलेंट रेडियाई और वंडर वॉल में क्या होता है वंडर वॉल में दो नेबरिंग मोलिक्यूल्स एक ये मोलिक्यूल है सपोज एक ये मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस इस मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस तो नेबरिंग एटम के नेबरिंग नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ वंडरवर्ल्ड रेडियाई ठीक है क्लियर अब आयनिक रेडियाई मतलब कैटाइन की रेडियाई और एनाइन की रेडियाई ठीक है कैटाइन और एनाइन कैटाइन जैसे सोडियम आयन और एनाइन मतलब सी एल माइनस आई इनकी वही रेडियाई उसको हम कैटाइनिक और एनाइनिक रेडियाई कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब जैसे ये आपका न्यूक्लियस फर्स्ट सेल सेकेंड सेल ये थर्ड सेल अब ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको बाहर निकालने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ रही है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी आई ई वन यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड निकाला तो आई ई टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला आई ई थ्री ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन निकालने की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ओके अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन पकड़ के रखता है और आई ई थ्री इज ग्रेटर देन आई ई टू एंड आई ई टू इज ग्रेटर देन आई ई वन क्यों क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है इसलिए अब हम इस, इसको मैं ये इक्वेशन लिखी हुई है देख सकते हैं ये मेटल है मेटल में से आय एक इलेक्ट्रॉन निकाला एम प्लस बना तो आई ई वन आई ई टू और आई ई थ्री यही जो मैंने लिख के बताया था आई ई थ्री इज ग्रेटर देन आई ई टू एंड आई ई टू इज़ ग्रेटर देन आई ई वन पीरियडिक ट्रेंड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं यानी हम किसी पीरियड में ऐसे मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है ये ट्रेंड होता है पीरियड में इंक्रीज़ और ग्रुप में डिक्रीज़ करती है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफेनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलिपी ये है आपकी सेकेंड ये जस्ट उल्टा है ये न्यूक्लियस मोस्ट सेल अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाके अंदर डालने में जो एनर्जी लिबरेट हो रही है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके ये देखिए ये एक एलिमेंट है एक्स उसमें इलेक्ट्रॉन डाला नेगेटिव में बदल गया और एनर्जी लिब्रेट हो गई ठीक है इसके बाद कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इसको वो आप पढ़ लीजिएगा एक जैसे ही हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन गेन को कौन इफेक्ट करेगा अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जैसे मान लो ये बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मीन्स कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ खींचने की पावर कहलाती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है ये भी ग्रुप्स में जाने पर यानी ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये घट जाती है और जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो ये बढ़ जाती है ठीक है मतलब ऐसे जाएंगे तो डिक्रीज ऐसे जाएंगे तो इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है ये पीरियोडिक ट्रेंड हो गया अब वैलेंसी वैलेंसी का क्या मतलब होता है वैलेंसी का मतलब होता है कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक से चार तक बढ़ती है फिर चार से एक तक घटती है देखो जैसे यहाँ एन नह में एन की वैलेंसी वन मैग्नीशियम की टू एलमियम की थ्री कार्बन की फोर फिर नाइट्रोजन की थ्री हाइड्रोज ऑक्सीजन की टू और क्लोरीन की वन मीन्स वन टू थ्री फोर थ्री टू वन ये ट्रेंड रहता है वैलेंसी का मेटेलिक करेक्टर मेटेलिक करेक्टर हमको बताएं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है पीरियड्स में जाते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये जो पी ब्लॉक है ये पूरे क्या होते हैं नॉन मैटर और एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं मैटर तो ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में मेटालिक करेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है अब इसी मेटालिक करेक्टर से रिलेटेड है हमारी प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है ये ठीक है तो ऊपर से जब हम ये जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं तो ऊपर से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है और जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है ठीक है नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देते हैं और मेटल्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देते हैं इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि नॉमन क्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सौ से ज़्यादा है तो अब उसके लिए अगर डिज़िट ज़ीरो है तो हम जो नाम लिखते हैं वो नील और उसका सिंबल है एन ऐसे ही वन के लिए अन और यू ठीक है अब जैसे सपोज मान लीजिए आपको एक सौ दस का नेमिंग करना है तो वन के लिए हमने क्या लगाया अन तो वन के लिए क्या लिखेंगे अन फिर से वन अन और ज़ीरो के लिए क्या लिख रहे थे हम नेल और लास्ट में लगा देते हैं आई यू N ये इसका नाम हो गया अन नीलियम और सिंबल क्या होगा यू यू एन ये वन हंड्रेड टेन का सिंबल और ये उसका नाम तो ये टेबल के बेस पर प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ये पूरा आपका प्रियोडिक प्रॉपर्टी वाला टैप चैप्टर था ये ख़त्म हो गया है ठीक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके बाय